बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा की सदस्यता से आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव सांसद चुने गए हैं और अयोध्या से सांसद चुने गए हैं अवधेश पासी, और अयोध्या सांसद अवधेश पासी ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का लखनऊ से सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दिया है। यूपी विधानसभा की सदस्यता से आज इस्तीफा दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं अयोध्या सांसद अवधेश पासी ने भी विधायक पद से आज इस्तीफा दिया है। बता दें कि विधानसभा की सदस्यता से अवधेश पासी का ये इस्तीफा माना जा रहा है। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव सांसद चुने गए हैं और अयोध्या से अवधेश पासी इस बार सांसद चुने गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, जहां अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दिया है, साथ ही अयोध्या से अवधेश पासी सांसद चुने गए हैं, उन्होंने भी विधानसभा से ये इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और आज ही उन्होंने करहल विधानसभा सीट से ये इस्तीफा थमा दिया है। अब केंद्र की राजनीति वो करते हुए नजर आएंगे। वो कन्नौज से सांसद इस बार चुने गए हैं और अभी तक वो करहल से विधायक और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति में अग्रसर रहेंगे। उन्होंने करहल विधानसभा की सदस्यता से ये इस्तीफा दिया है। वो कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद भी इस बार चुने गए हैं। इसके बाद उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था, उन्होंने करहल सीट छोड़ दी। ये बड़ा फैसला आज अखिलेश यादव ने किया है। यूपी विधानसभा की सदस्यता से आज उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां अखिलेश यादव ने आज अपनी विधानसभा सीट करहल से इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि अब वो केंद्र की राजनीति करने वाले हैं। इस बार बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए हैं और साथ ही अयोध्या की अगर बात कर ले तो वहां से अवधेश पासी इस बार सांसद चुने गए हैं और उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा थमा दिया है। यूपी विधानसभा की सदस्यता से आज ये दो बड़े नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंपा है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। अयोध्या सांसद अवधेश पासी ने भी आज अपने विधायक पद से इस्तीफा सौंप दिया है। ये अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां अब ये दोनों ही केंद्र की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। वो कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, उसके बाद इन्हें एक सीट से इस्तीफा देना था तो उन्होंने करहल सीट को छोड़ दिया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के अनुसार ये इस्तीफा अब प्राप्त हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले सपा के विधायक लालजी वर्मा भी इस्तीफा दे चुके हैं और लालजी वर्मा भी लोकसभा सदस्य इस बार चुने गए हैं। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये पद उनके चाचा विधायक शिवपाल सिंह यादव या फिर पीडीए के तीन विधायकों राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल अख्तर में से किसी एक को मिल सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां इस बार कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला ले लिया है और वो करहल सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए यूपी से स्टेट हेड वंदना रावत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, जिस तरीके से देखा गया कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद इस बार चुने गए हैं, जिसके बाद आज ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है और अपने विधानसभा पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यूपी के लिए कितना नुकसान सपा को इसके बाद हो सकता है? देखिए आकांक्षा, लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से शानदार जीत हासिल करने के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने करहल सीट, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव उन्होंने करहल सीट से लड़ा था और भारी मतों से वो जीते भी थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों के 2024 चुनाव के जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी ने सुपर बम्पर जीत हासिल की है। वही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि एक अच्छी जीत के बाद जो अखिलेश यादव है वो थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो इसको देखते हुए उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वो करहल विधानसभा पर उपचुनाव करा जाएगा। ऐसा भी है कि मुलायम सिंह के जो यादव के जो पोते हैं तेज प्रताप सिंह यादव,
तो अब उम्मीदवार करहल फिर से बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए करहल जो है मैनपुरी है, इटावा, ये मुलायम सिंह का गढ़ है, समाजवादी का गढ़ है, यादवों का गढ़ है, तो लगातार वहां से समाजवादी जो यादव है जीतते आ रहे हैं। तो अब तेज प्रताप सिंह, क्योंकि अब अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो कन्नौज से सांसद बन चुके हैं, तो अब वहां पे उपचुनाव होंगे, तो वहां पे अब उम्मीदवार है वो तेज प्रताप सिंह को बनाया गया है। वही नेता प्रतिपक्ष पद के लिए भी शिवपाल यादव के नाम की चर्चा हो रही है। तो अब अभी तक फिलहाल कोई चीजें नाम सामने निकल के नहीं आया है, केवल अभी चर्चा ही है। वही सपा प्रमुख जो यादव है, हलिया लोकसभा विधानसभा कन्नौर संसदीय सीट से वो चुनाव जीते हैं। अब क्योंकि देखिए लोकसभा सीटों के जो रुझान आए, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, तो एक बम्पर जीत मिली है अखिलेश यादव को लगातार, वो क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन था इस बार लोकसभा चुनाव में। तो क्योंकि विधानसभा देखिए चुनाव ठीक है, 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को लेकर, और वहीं अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव ने काफी अच्छा गठबंधन में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने टक्कर दी है। अब वो जो अपने सांसदों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, संसद तक का सफर कैसे पूरा किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी, बेरोजगारी है, पेपर लीक जैसे मामले, किसानों के मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने का अब रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए फिलहाल उन्होंने अभी करल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। जी आकांक्षा, वहीं वंदना जी अगर बात कर ले अयोध्या सीट की, तो कहीं ना कहीं इस बार सपा को बड़ी जीत अयोध्या से मिली है। अब अवधेश पासी ने भी आज अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या लगता है जिस तरीके से वो केंद्र की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, इसका किस तरीके से प्रभाव अब देखने को मिलने वाला है? देखिए आकांक्षा, लोकसभा चुनाव 2024 जहां एक तरफ आपकी बात 400 पार का जब नारा जो लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, एक उनका दावा था अयोध्या राम मंदिर मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा जैसा बड़ा कार्यक्रम करके देश में अयोध्या में जो 500 साल का जो एक इंतजार था कह सकते हिंदुओं का, वो उन्होंने पूरा किया। एक अहम मुद्दा था 2024 में, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस हिसाब से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे प्रदेश में लग रहे देश में लग रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका काफी लाभ मिलेगा। लेकिन जो रुझान है अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी को हारना एक बड़ा झटका लगा, अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर का निर्माण जरूर कराया, लेकिन जो बेसिक चीजें थी, जमीनी चीजें थी, वहां पे अतिक्रमण किया गया, लोगों को पुनर्वास नहीं मिला गया, काफी तमाम बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो इनका जो असर है ये इनके वोटों पे पड़ा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। अवधेश प्रसाद जो वहां से जीते हैं, जबकि 2019 वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लल्लू सिंह जीते थे, लेकिन राम मंदिर मुद्दे के बाद भी उनका हारना एक ये बहुत बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती के साथ नहीं थी, अगर 2004 की बात कर ले तो 2004 जबकि मुलायम सिंह का गढ़ हुआ करता था पूरा उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, एक बार नहीं रहे, कई बार रहे, उसके बाद भी इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं था लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का। 2004 में भी 32 सीटें ही आई थी जबकि मुलायम सिंह उस समय थे, और अब अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से 2024 में काम किया है, गठबंधन के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी है, 37 सीटें आना बहुत बड़ी बात है, एक मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े लेवल पे टक्कर देती दिख रही है। अगर ऐसी परफॉर्मेंस रहा, बढ़िया रहा, अगर अखिलेश यादव ऐसी काम करते रहे, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी अखिलेश यादव को टक्कर देना। जी आकांक्षा, ठीक है, वंदना बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे थे, जहां से अयोध्या सांसद अवधेश पासी ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही अखिलेश यादव ने भी कबल विधानसभा सीट से आज इस्तीफा थमा दिया है, और दोनों ही लोग अब केंद्र की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में सपा को बहुमत मिला था, जीत मिली थी यूपी में, और कहीं ना कहीं उसका असर अब ये देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करने के लिए अग्रसर नजर आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी विधानसभा सीट करहल से भी